गांव देहात शहर कस्बे में किसी से पूछो कि क्या कर रहे हो तो संभवतः हर दूसरा जवाब बीएड का मिलेगा। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसे करने के पीछे छात्र छात्राओं की सिर्फ एक ही तमन्ना होती है कि सरकारी टीचर की भर्ती आएगी तो उसके जरिए नौकरी का एक रास्ता खुल जाएगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि तबीयत से पत्थर उछाला जाए तो बीएड अभ्यर्थी को जा लगेगा। लोग और भी चीज़ों की तैयारी करते हैं, साथ साथ बीएड करके रखते हैं कि जब टीचर वाली भर्ती आएगी तो उसमें बीएड काम आ जाएगा। एक शिक्षक बनने के लिए अलग अलग डिग्रियां हासिल करनी होती हैं। इसमें दो डिग्री बीएड और बीटीसी नाम की हैं। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर ये दो शब्द कीवर्ड की तरह बन गए हैं और खूब बात हो रही है इस पर, खासकर बीएड। लाखों ट्वीट किए जा चुके हैं, धरना देने की बात हो रही है। कारण है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि बीएड डिग्री धारा का प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। माने प्राइमरी शिक्षक पीआरटी बनने के लिए तय योग्यता से बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया है। पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए अब सिर्फ बीटीसी डिग्री धारक ही एलिजिबल होंगे। पहले इस कैटेगरी में बीएड वाले भी एलिजिबल होते थे। प्राथमिक शिक्षक और इससे बीएड डिग्री करने वालों को बाहर किए जाने का पूरा मामला क्या है, इसमें NCT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन द्वारा जारी की गई अधिसूचना की चर्चा क्यों की जा रही है और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करने वाले हजारों छात्र छात्राएं क्यों मजबूर हैं, सब कुछ विस्तार से आज समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रदर्शन शुरू हुआ क्यों। 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और NCTE की अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने NCTE द्वारा 28 जून 2018 को जारी की गई एक नोटिस को भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार है। इसमें केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शामिल नहीं है, बल्कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी शामिल है। कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों के बारे में कहा कि उनके पास प्राइमरी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इस वजह से वो प्राइमरी कक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। अब सवाल है कि NCTE की अधिसूचना में क्या था जिसका हवाला छात्र छात्राएं दे रहे हैं। दरअसल प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े इस मामले का एक सिरा साल 2018 में जारी NCTE की अधिसूचना से जुड़ा हुआ है। NCTE पूरे देश में शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित करती है। 28 जून को जारी की गई NCTE 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई उसमें कहा कि बीएड डिग्री हासिल करने के बाद छात्र छात्राएं प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो कि 6 महीने का होगा। इसके बाद वो प्राइमरी शिक्षक यानी 1 से 5 तक के छात्रों को छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक बन सकते हैं। NCTE का ये आदेश जारी हुआ। उधर राजस्थान सरकार ने राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट RTET के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन RTET की नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएड डिग्री धारक परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं थे। माने बीएड डिग्री वालों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार के इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उधर एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा यानी DLED धारकों ने बीएड डिग्री धारकों के भर्ती में शामिल होने के खिलाफ याचिका दायर की, उसको चुनौती दी। डीलेड डिप्लोमा प्राइमरी टीचर बनने के लिए इकलौती एलिजिबिलिटी थी पहले। मामले में राजस्थान सरकार ने डीलेड छात्रों का समर्थन किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 25 नवंबर 2021 को NCTE की अधिसूचना को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के इसी फैसले को बरकरार रखा जाता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने NCTE द्वारा साल 2018 में जारी की गई अधिसूचना को खारिज कर दिया। मामले में बीएड कैंडिडेट्स की तरफ से सीनियर वकील PS पटवालिया और मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि यदि सूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी करने के बाद NCTE द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था। वहीं डिप्लोमा धारकों
और राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल और मनी सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एनसीटीई एक एक्सपर्ट बॉडी है, उसे इस मामले में स्वतंत्र निर्णय लेना था, न कि केवल केंद्र सरकार के नियमों का पालन करना था। मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखा एएसजी ऐश्वर्या भाटिया और विक्रमजीत बनर्जी ने। उनकी तरफ से कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश एक्ट और एनसीटी एक्ट के तहत दी गई केंद्र सरकार की शक्तियों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया था। ये सारी दलीलें दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब सवाल ये कि कानूनी दांवपेच में उलझे अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा। इन्होंने बीएड कर रखा है, तो हुआ ये कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गए। लाखों छात्रों ने प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। परीक्षा का एडमिट कार्ड 18 अगस्त को जारी होने वाला है। सीबीएसई की तरफ से कराई जाने वाले इस एग्जाम में 20 अगस्त को देश के अलग अलग शहरों में कंडक्ट होना है। लेकिन बीएड डिग्री धारक कोर्ट के फैसले के बाद अब दुविधा में है कि एग्जाम दिया जाए या नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामले से जुड़ी याचिका दायर करने वाले देवेश कुमार ने ललन टॉप से बात करते हुए बताया कि कोर्ट के फैसले का खामियाजा लगभग 3 करोड़ बीएड डिग्री धारकों से सीधा जुड़ा हुआ है, साथ ही उनके परिवार वाले भी अब इसे भुगत रहे हैं। ऐसे में छात्र क्या करेंगे ये भी समस्या परे है। छात्रों का इससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उनका करियर दांव पे लगा है। बता दें कि सीटेट के तहत 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो प्राइमरी शिक्षक यानी 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बनते हैं। दूसरा सीटेट पेपर 2 जो 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनते हैं। जो छात्र दोनों लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो दोनों पेपर दे सकते हैं। दोनों पेपर पर अब तक बीएड वाले दावा करते थे और पेपर दे सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड वाले सिर्फ दूसरा पेपर दे सकते हैं, यानी 6 से 8 जो मिडिल स्कूल कहा जाता है उसके टीचर बन सकते हैं। इससे इतर जो केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय जो संगठन द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन पहले से ही किया जा चुका है, उम्मीदवार उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब केवीएस में भी बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी टीचर के तौर पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। रिजल्ट आने के बाद पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देवेश ने आगे बताया कि कई राज्यों में पिछले 5 सालों में बीएड डिग्री वालों को प्राइमरी शिक्षक के तौर पर नियुक्तियाँ दी गई हैं। कई राज्यों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं कई राज्यों में नियुक्ति करने की बात कही जा रही थी। अब इन सब भर्तियों का क्या होगा, क्या सरकार जो जिनकी नियुक्ति दे चुकी है उन्हें भी हटवाएगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण लाखों लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं, सरकार को कोई फिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित बीएड डिग्री पूरी करने वाले छात्र छात्राएं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। छात्रों ने ट्विटर कैंपेन चलवाया। इतना ही नहीं, अब सड़क पर उतरने की तैयारी की जा रही, जंतर मंतर पर धरने की मांग हो रही है और उसकी अनुमति लेने की कोशिश हो रही है। कई राज्यों और कई शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बीएड अभ्यर्थियों की दलील पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक और सूचना, 17 अगस्त यानी आज ललन टॉप शो इसी मुद्दे पर रहेगा। आप अपनी राय शामिल कराना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। #BEd और BEd वर्सेज BTC के साथ ट्वीट कर भी अपनी राय रख सकते हैं। सौरभ द्विवेदी वो शो करेंगे। मेरा नाम है अभिनव पांडे, आपके लिए पूरी खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत सिंह ने। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।